फिर उनको चलना आना चाहिए, फिर उनको दौड़ना आना चाहिए, उड़ने की इसकी इच्छा उसके बाद में होती है। जो लोग ये कहना चाहते हैं कि मैं कोई आदमी जीते हारे मेरा कोई उसमें कोई मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं उनको एक बात बताना चाहता हूँ। बेंटा रसेल ने एक बार ऑक्सफोर्ड में स्पीच दी थी और उस बुक के हिस्से का नाम है दी हार्म दैट दी गुड पीपल डू। वह नुकसान जो अच्छे आदमी करते हैं, अच्छा आदमी क्या नुकसान करता है कि किसी के साथ में अगर डकैती पड़ रही है, कत्ल हो रहा है, कहेगा मैं अच्छा आदमी, मेरा कोई लेना देना नहीं। अपना खड़ा हुआ कैंडिडेट अगर हार रहा है तो कहेगा मैं अच्छा आदमी, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर वो कैंडिडेट अगर किसी को कोई पीट रहा है या जुल्म सितम अन्याय अत्याचार और शोषण कर रहा है तो कहेगा मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। अगर समाज को बेजोड़ बेतोड़ बेमिसाल और बेहतरीन बनाना है तो आप सबको उसी प्रकार काम करना पड़ेगा। बिल्कुल आपके लिए एकता होनी जरूरी है और जब सामूहिक रूप से काम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं आपको एक बात बता दूँ कि 1915 के लगभग रामतीर्थ जो अपने यहाँ के बहुत बड़े साधु थे वो जापान गए थे। एक बार उन्होंने जापान में जाकर देखा कि एक एक वृक्ष की उम्र लगभग 300-350-350 वर्ष थी, लेकिन उसकी ऊंचाई 3 फुट से 2 फुट से ज़्यादा नहीं थी। तो उनसे पूछा गया भाई इसकी जो ऊंचाई ज़्यादा क्यों नहीं है, 2 फुट या 2.5 फुट या 3 फुट क्यों है? तो माली ने बताया कि मैं इनकी जड़ काट देता हूँ, जब मैं इसकी जड़ काटता हूँ तो ये वृक्ष कभी ऊपर नहीं होता। हम वो लोग हैं जिनकी जड़ें काटी हुई हैं, इसलिए हमारी ऊंचाई नहीं बढ़ रही है। और मैं आपको बता दूँ कोई वृक्ष जमीन पर जितना ऊंचा होता है उसकी जड़ें जमीन पर उतनी ज़्यादा गहरी होती है। एक मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, एक बांस जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ा है वो चीन का बांस है। चीन के बांस की लंबाई 80-80 मीटर तक होती है फिट, और उस जमीन के उस पर उस वाले बांस को जमीन में अपना स्ट्रक्चर तैयार करने में पूरे 5 साल लगते हैं। 5 साल के बाद वो जमीन से बाहर निकल कर आता है। क्या इलेक्शनों में हमारी तैयारी इस तरह की है कि हमने शुरू 5 साल तक मेहनत की हो? क्या हमने कोई जमीनी काम करा? जिन लोगों की तैयारियाँ पहले से होती हैं उनकी विजय निश्चित होती है, जिन लोगों की तैयारी नहीं होती उनकी पराजय निश्चित होती है। एक हारने वाला कैंडिडेट चल जाता ही एक हारने वाला कैंडिडेट लिया कोई तर्क क्यों ना दे, कभी भी उसको उचित नहीं ठहराया जा सकता। एक मनुष्य शेर से लड़े और शेर उस मनुष्य को मार के खा जाए तो आप बताइए उससे लड़ने की अभिवृद्धि क्या है? आप खड़े हुए, आपका स्वाभिमान है, आपका गौरव, आप आगे और आपको भी पता है कि मेरा खाना निश्चित है, तो ऐसे आदमी को खड़ा नहीं होना चाहिए जिसकी अपनी कैपेसिटी नहीं है। दूसरा मैं बता दूं कि एक वृक्ष आप जो देखें, एक अखरोट का अच्छी किस्म का जो पेड़ है, वो अखरोट का एक अच्छी किस्म का अखरोट का पेड़ कम से कम 80 से 120 वर्ष में अपना फल देता है। तो जो आदमी उस पेड़ को लगाता है वो कभी उसका फल नहीं खाता। तो आप निश्चित रूप से समझ रहे हैं कि आपने अगर समाज के आने वाले भविष्य को देखना है तो आपको अखरोट के लगाने वाले पेड़ के लगाने वाले व्यक्ति को देखना पड़ेगा कि उसका फल वो नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियां खाएंगी। आज समाज का लोग जब तक ये धरती के भूतल के सारे संस्कार एक नहीं हो जाते वो किसी भी मेंबर को जिताने में कामयाब नहीं हो सकते। आज मुसलमानों की वोट 3,300 है, जो 55-56 हज़ार टोटल वोट है वो 3,300 वोट है मुस्लिम कैंडिडेटों की, सुलगास्टों की 6,300 वोट है जो वोटिंग राइट जिनको है। तो आप ये देखिए कि हम 40 आदमी 6,400 वोट वाले मेंबरों के क्या हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं? जो लोग ये कहना चाहते हैं कि हम क्रांति पैदा नहीं कर सकते, मैं उनको बताना चाहता हूँ अगर एक दाना भार को नहीं फोड़ सकता तो कम से कम भड़कुजे की आंख को तो फोड़ सकता है। आप निश्चित रूप से मेहनत करिए। सब लोग अपने देखिए मनुष्य के दो प्रकार के समूह होते हैं सेक्टर, एक उसका पर्सनल सेक्टर है, अगर मेरी पर्सनल सेक्टर में किसी से लड़ाई है, दूसरा उसका पब्लिक सेक्टर है। अब बात हम सुनता चुनाव एक पब्लिक सेक्टर का है, मेरा पर्सनल सेक्टर का नहीं है। अगर आप जिताना चाहते हो ये रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हो, जब से दिल्ली हाईकोर्ट बना कोई भी सुनता के राज्यों चुपरों को सुने को कुछ जानते नहीं मानते चुपरों बात मत काट। एक बार दिल्ली हाईकोर्ट का रिकॉर्ड सुरेंद्र केसरी ने तोड़ा, सुरेश केसरी ने हाईकोर्ट का रिकॉर्ड तोड़ा, तो आपकी बात कौन मायका लाल है जो इसके बाद कौन से चुनाव के इस रिकॉर्ड को तोड़ेगा कि केस तो आप निश्चित रूप से समझ लें, आप निश्चित रूप से समझ रहे हैं। आप मेहनत करिए और दिन रात मेहनत करिए, अपने भाइयों को जगाइए, बार बार जगाइए, सफलता आपके कदम
दुनिया देखेगी और आप एक बार देख लीजिए, अगर मीट को खाने से सब लोग पहलवान बनते तो दुनिया के इंटरनेशनल लेवल पर केवल मुसलमान ही पहलवान होते, दूसरा आदमी। अगर सुरक्षकों की वोटों से ही सारी वोट मिलने से अगर केवल अपनी पार्टी जीतती तो आज सारी वोटें सुरक्षकों की बीएसपी पार्टी को जाती है तो उत्तर प्रदेश महाराजगंज का जीत जाता। हमें सेकुलर इमेज बनानी पड़ेगी, हमें सेकुलर इमेज बनानी पड़ेगी और सेकुलर इमेज के अंदर हमने हर आदमी से वोट लेना है। जो हमारे कैंडिडेट उनसे हमारा जो कैंडिडेट वोट ले सकता सब लोगों से तो हमें वही जीत पाएगा। और मैं आपको बता दूं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कोई भी आदमी ये 6400 वोटों में आप रिसर्च करके देखें, एक कैंडिडेट भी ऐसा नहीं है जो यूं कहे कि मैं सुनकर कैंडिडेट को वोट नहीं दूंगा। लेकिन फिर भी हमारी पराजय का कारण क्या है? हमारी पराजय का कारण यह है, मैं बताऊं, एक और गाना ने अरिस्टोटल ने लिखी है और वो कहता है